हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। ये इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो तीनों DRDO एग्ज़ाम के लिए है, जो DRDO टेक्नीशियंस पहले हो चुका है, टेक्नीशियंस ए एंड ANA, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अलाइड एक्टिविटीज़ जो सब कुछ था इसका, एंड प्लस MTS, ठीक है। आज मैं MTS का मैं एग्ज़ाम डेट बताने वाली हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं। DRDO ए का रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन देने वाली और ANA का भी मैं रिजल्ट की डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो देखा जाए तो तीनों आज मैं DRDO के ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अपने इस वीडियोस में। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेके आएगा लेटेस्ट सारे इन्फॉर्मेशन, A to Z वीडियो, जितने भी सारे सब कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, सारे भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है DRDO MTS को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अब ये लगता है कि अभी तक सेप्टन मतलब टेक्नीशियन ए का रिज़ल्ट नहीं आया, ANA का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो MTS का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो डाउटफुल में सब लोग स्टूडेंट्स हैं। सबके कमेंट्स यही आ रहे कि मैम अब इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो बहुत बच्चों को माइंड में ये बैठ गया कि इसका एग्ज़ाम बहुत ही लेट होगा। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशंस करना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए आज मुझे ये वीडियोस बनाना पड़ रहा है आपके थोड़े से इंकरेजमेंट के लिए, आपको बताने के लिए कि देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है कि DRDO में बहुत ज़्यादा बम्पर भर्तियाँ निकले, ठीक है। ANA में भी फोर्स में निकल के आया, टेक्नीशियन ए में भी निकल के आया, अभी MTS का निकल के आ गया, इतनी भर्तियाँ निकल के आई। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ करके हर चीज़ को अरेंजमेंट और टाइम पे कर लेगा। आपको जो आपका काम यहाँ पे क्या है, जैसे मैं DRDO MTS की बात करती हूँ, आपका काम है पढ़ाई करना। तो प्लीज़ आप पढ़ाई अपने स्टडी को फोकस कीजिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली जल्द से जल्द ही होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं जाएगा यहाँ पे। कि आप लोग सोचोगे कि बहुत देर एग्ज़ाम होगा तो आप लोग अभी पढ़ाई करने मत बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे टेक्नीशियंस ए का रिज़ल्ट मैं आसपास बता देती हूँ। यहाँ पे पहले तो रिज़ल्ट यहाँ पे आने वाला है ANA का, ठीक है। टेक्नीशियंस का माना पहले एग्ज़ाम हो चुका है, ऊपर से इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एग्ज़ाम हो चुका है, मगर पहले रिज़ल्ट आएगा फैब के एंड तक। मैंने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में ही बता चुकी हूँ, फैब के एंड तक ANA का रिज़ल्ट आएगा। मार्च तक आने वाला है यहाँ पे टेक्नीशियंस ए का रिज़ल्ट, समझ में आया आपको। मार्च में टेक्नीशियंस ए का रिज़ल्ट आएगा, ANA का फैब के एंड ऑफ लास्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। और अप्रैल का मंथ में कुछ नहीं होगा, मई के मंथ में चांसेस है आपका एग्ज़ाम होने का DRDO MTS का, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस फुल एनालिसिस सब कुछ करने के बाद पता चला है कि DRDO MTS का एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक तक होने के चांसेस है। अप्रैल मंथ में इसलिए आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कैसे इनके रिजल्ट निकल के आएंगे, उसके बाद ANA का सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, तो इस वजह से उस मंथ के गैप दिया गया है, क्योंकि वो ANA का वहाँ पर सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा। तो मई मंथ में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने के फुल चांसेस, फुल एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ये हो सकता है वीक आगे पीछे हो सकता है, बट मई मंथ में ही आपका एग्ज़ाम होगा DRDO MTS का। आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा हर चीज़ डिटेल्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो बच्चे प्रिपरेशंस करना स्टार्ट नहीं किए, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रिपरेशंस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।